फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता, जिसके सामने आप समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। और इस नाश्ते की खासियत ये है कि आप इसे एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं और नाश्ता बनाने के झंझट से आजादी पा सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बार बार किचन में जाकर नाश्ता बनाना बहुत ही ज्यादा झंझट का काम लगता है। तो इस रेसिपी को बनाइए और झंझट से आजादी पाइए। और मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, अगर आप पूरी टिप एंड ट्रिक के साथ इस वीडियो को बना लेंगे तो आपकी रेसिपी एक महीने से पहले बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो फ्रेंड, चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 टीस्पून तक ऑयल, बस इतना सा ऑयल काफी है। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा, बस इतना जीरा काफी है। और जीरे को हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये देखिए, जीरा हमारा हल्का सा चटक गया है। तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 दाने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको भी हमें 10 से 15 सेकंड चटका लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना और इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे 20 से। और अब इसमें हम डालेंगे 1 साबुत खड़ी लाल मिर्च, सिर्फ 1 डालना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो ग्रीन चिली को हटा सकते हैं। अब 1 इंच का अदरक लिया, जिसको अच्छे से वॉश कर लिया, छिलका निकाल लिया, ये डाल देंगे। अब 5 कलियां हम इसमें लहसुन की डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। अब धीमी धीमी आंच पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस हमें इसका कच्चापन दूर करना है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। और अगर आप प्याज भी नहीं खाते तो प्याज को भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है। तो ये देखिए, प्याज हमारी हल्की हल्की सी पिंक होने लगी है। तब इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर, इसके ना मैंने बीज निकाले ना ही जूस निकाला है, लाल टमाटर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो टमाटर को हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, तो इसके लिए हम डालेंगे इसके अंदर नमक। तो ये गया हमारा 1 चुटकी नमक, ताकि जो हमारे टमाटर है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चने की दाल, जिसको मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। यहाँ पे मैंने दाल को भिगोया नहीं है। अगर आपके पास चने की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नमक डालने की वजह से टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसको काला नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई। जब ठंडी हो जाए तभी इस्तेमाल करना है, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ये देखिए। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, 1/4 चम्मच तक। और अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्याज में खुद का पानी होता है और टमाटर में भी खुद का पानी होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन में इस तरीके से 1 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे सरसों के दाने 1/2 टीस्पून तक। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे तिल सफ़ेद वाली 1/2 टीस्पून तक। और अब इसमें हम डालेंगे हींग, हींग जरूर डालिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जब चटक जाएगा तो इस तरीके से ऐड कर देंगे। और तड़का लगने के बाद जो चटनी का टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है, और लुक देखिए कितना ज़रा प्यारा हो गया है। और इस चटनी को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं बिना फ्रिज के। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ली हैं जो आपको किचन में आसानी से मिल जाती हैं, वो है हमारी चावल और दाल। चावल और दाल में पाया जाता है बहुत सारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जो बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चे दाल चावल खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, कुछ तो बड़े भी नहीं खाना चाहते, लेकिन इस रेसिपी को बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे और जान ही नहीं पाएंगे कि आपने इसे दाल और चावल के साथ बनाया है। और इसमें आपको दाल को भिगोने का और चावल को भिगोने का कोई भी झंझट नहीं है, तो टाइम की बचत है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैंने 50 ग्राम लिया है चने की दाल। अगर आपके पास चने की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई और दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मसूर की दाल ले सकते हैं, उड़द की दाल ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे धुली हुई मूंग की भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है चावल, मोटा महीन बासमती जो भी चावल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रेगुलर राइस लिया है छोटे वाले, आप चाहें तो बासमती के साथ बना सकते हैं। दोनों चीजों को मैंने कपड़े से अच्छे से 3 से 4 बार सूती से पोंछ दिया है, ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए, क्योंकि हम इसको सोक करने वाले हैं नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं।
पे देखिए मैंने एक पैन लिया, ना इसमें घी डालेंगे ना ही बटर डालेंगे। आप चाहें तो कढ़ाही भी ले सकते हैं, तावा भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिएगा, थोड़ा सा भारी लीजिएगा और फैला हुआ लीजिएगा। और यहाँ पे अब इसमें हम एक कटोरी चावल डालेंगे, जो वेट ने हमारा मुश्किल से कितना है 50 ग्राम, और नाप में एक कटोरी आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें एक कटोरी डाल देंगे दाल अपनी। अब दोनों चीजों को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे। ख्याल ये रखना है कि इसे अच्छे से भूनना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और दूसरी बात आपको ख्याल ये रखना है, जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। और कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो दाल जल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जैसे मैं कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो गए हैं टोटल हमें इसे भूनते हुए। दाल और चावल बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। ये देखिए इसकी खनक ही बता रही कि दाल और चावल हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए दाल और चावल बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए, हम इसे छुपा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि जार बिल्कुल अच्छे से सूखा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल ही पानी नहीं लगा होना चाहिए। और अब इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ना नमक डालेंगे ना ही पानी डालेंगे, हम इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसका बिल्कुल फाइन पाउडर हमें बनाना है, और जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी आप इसको पीसेंगे, तभी इसका फाइन पाउडर बन पाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसका पाउडर बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ये देखिए बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है आपको। अगर आपका दाल चावल बिल्कुल अच्छे से ठंडा होगा तो आपका भी रिजल्ट इसी तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर इसको हम ट्रांसफर करेंगे सारा का सारा। और अब इसमें हम डालेंगे छाछ। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, आधा गिलास डाला है। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। छाछ आपकी खट्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप इसकी जगह पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही डालने तो सिर्फ 4 चम्मच डालना, नहीं तो आप इसमें व्हाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, यानी सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। ये गया हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। और नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये दाल और चावल है तो ये फूलने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, इसीलिए हमें इसमें 3 से 4 चम्मच पानी भी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए 3 से 4 चम्मच पानी डाल देते हैं। ये गया हमारा 3 से 4 चम्मच पानी, उसी गिलास में डाला है जिससे हमने छाछ डाला था। और अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा लिक्विड है, लेकिन जब हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे तो ये अपने आप फूल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाए, और 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं रेस्ट पे रखे हुए, चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे जीरा, जिससे बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। अब 1 ग्रीन चिली और थोड़ा सा मैंने धनिया को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे हींग, हींग जरूर डालनी है। तो ये गई हमारी 1/4 चम्मच हींग। और अब इसको चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च 1/4 चम्मच तक। और अब हम स्पाइसी के लिए डालेंगे इसमें दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे अदरक, जिसको हम इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे। 1 इंच का अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अदरक का हमें छिलका नहीं निकालना है, अदरक को अच्छे से वॉश करके छिलके के साथ हमें इस तरीके से ग्रेट कर देना है, ये देखिए। और अब इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जब हमने इसको रेस्ट पे रखा है तो ये देखिए इस तरीके से ये थिक हो गया है। शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा लिक्विड था, लेकिन जब ये फूल गया है तो ये देखिए इस तरीके से ये एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को हटा भी सकते हैं। तो 1 मीडियम साइज का प्याज, जो हम हल्का सा मोटा मोटा कर करके इसके अंदर डालेंगे। गई हमारी प्याज, और प्याज डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना, ताकि प्याज बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया है, 1 से 2 बूंद। और इस तरीके से अपनी हथेलियों को ग्रीस कर लेंगे। और अब 1 चम्मच ऑयल हम इसके अंदर डालेंगे।
इससे क्या होगा, हमारा जो नाश्ता है बहुत ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। तो एक छोटा चम्मच ऑयल डालना है, आप चाहे तो घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हथेलियों को मैंने अच्छे से पहले से ही ग्रीस कर लिया है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा लेंगे नींबू के आकार का मिक्सचर, और इस तरीके से हम इसको हथेलियों से पहले गोल गोल करेंगे, और इस तरीके से फिर हम इसको चिकना करेंगे, और अब हम इसको इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच में रख के हल्का सा टिक्की का शेप दे देंगे। ये देखिए, और अब हम फिंगर की सहायता से इसमें इस तरीके से होल करेंगे। परफेक्ट, ये देखिए कितना ज़रा सुंदर लग रहा है। और साइड साइड को हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर देना है, क्योंकि दाल और चावल में थोड़ा सा बिखरावपन होता है। और ये देखिए रेडी हो चुका है। चलिए मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको नींबू के आकार का मिश्रण लेना है, पहले इसको गोल शेप देना है, फिर इसको इस तरीके से चिकना करना है, और फिर इस तरीके से हथेलियों में रख के इस तरीके से चपटा कर देना है, जैसे हम टिक्की बनाते हैं। और अब हम क्या करेंगे, फिंगर की सहायता से इसके अंदर इस तरीके से होल करेंगे। परफेक्ट, और साइडों को हमें इस तरीके से करना नहीं भूलना है। ये देखिए कितना ज़रा सुंदर लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने इतने रेडी कर लिए, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे हवा बंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं, 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, और बना के रख देंगे तो पूरे महीने की फुर्सत। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा फैला हुआ लीजिए और भारी लीजिए। अब इस तरीके से हमें तेल को गर्म करना है, इस तरीके से चेक करना है। हथेली को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, अगर गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, क्योंकि हमें इसे हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो क्या होगा कि ऊपर से तो बहुत ही जल्दी कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कुरकुरे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे और कच्चे भी रह जाएंगे। अगर आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऑयली हो जाएंगे, इसीलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो तेल देखिए बिल्कुल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तभी आपको डालना है। और ये देखिए कितना ज़रा सुंदर लग रहा है देखने में। अब इस तरह से हम डाल देंगे, और देखिए इस तरीके से थोड़े थोड़े से बबल उठ रहे हैं, यानी तेल को हमने मीडियम रखा है। ये देखिए, अगर आपका पैन छोटा है तो आप एक बार में उतने डालना जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो, अगर बड़ा है तो आप एक साथ ढेर सारे डाल सकते हैं। तो मेरा पैन तो इतना बड़ा है नहीं, तो मैं सिर्फ 4 डालूंगी। और अब इसको 2 मिनट तक पकने देंगे, और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। और यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि इसको तुरंत टर्न करने की गलती नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। पैन 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, चलिए इसको टर्न कर लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, ये बिल्कुल भी फटते नहीं है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। और जब भी आपका बड़ा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से दाल और चावल को पीस के फटाफट इसको तैयार कर सकते हैं। और आप इसे दूसरे साइड भी इसे 2 मिनट पकाएंगे, टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगता है, और आपको इसे खा के मजा आ जाएगा। 2 मिनट हो चुका है इनको पकते हुए, चलिए दूसरे साइड से भी देख लेते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा शानदार लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, करीब से दिखा दे, कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने इसे दाल और चावल से बनाए हैं। और बच्चे से लेके बड़े तक सभी लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। देखिए जब ये पक जाता है तो अपने साइज से डबल हो जाता है, देखिए कितना ज़रा फूला फूला रहा है। और अब इसको हम इस तरीके से फटाफट निकाल लेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि आपको इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा और फटने का भी डर रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम फटाफट निकाल लेंगे। और दोबारा बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें तेल को फिर से गर्म करना है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम अपना दूसरा बैच भी इसके अंदर डालेंगे। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से जरा क्रिस्पी है। ये देखिए, और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। ये देखिए इस तरीके से हथेली में प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं नजर आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से मैं दोनों हथेलियों पे दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ऑयली नजर आता है, क्योंकि ये दाल और चावल का है तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। और ये देखिए सारे हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से हार्ड है, अंदर से देखिए कितना ज़रा सॉफ्ट है ना। और यहाँ पे ये वाली चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, मोमो चटनी के साथ। उससे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए।
चाहिए और इसमें ना सूजी का इस्तेमाल है, ना ही बेसन का इस्तेमाल है, ना ही आलू का, और झटपट से आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।